Assalamualaikum, मैं हूँ रहमान अब्बास, आपका होस्ट। हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोग्राम में खुश आमदे। फैट जहाँ भी हो बुरी लगती है, स्पेशली बैली में, कोर एरिया में, साइड फैट। आज हम बात करेंगे साइड फैट के लिए, लव हैंडल्स के लिए, कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। उसके लिए हम खुले कपड़े पहनते हैं, अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकते, शीशे के सामने जाए यूँ सांस खींच लेते हैं, क्योंकि फैट होती है। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट को भी फोकस करना है, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। और साइड फैट के लिए, साइड फैट के लिए डंबल्स हमें चाहिए, डिफरेंट एक्सरसाइज, लेकिन कुछ कंपल्सरी एक्सरसाइजेज हैं जिनको हमने करना है। इसको आप पैटर्न से डेली बेसिस पे आप करेंगे तो 110% 2 or 3 weeks में, लेकिन डाइट को भी फोकस करना है और ये साइड फैट ख़त्म हो जाएगी। फर्स्ट एक्सरसाइज मैं करता हूँ, मुझे डंबल्स चाहिए, और उसके बाद डंबल्स मैंने ले लिए, साइड लव हैंडल्स और रिब्स एरिया फैट, उसके बाद आपकी अंडर आर्म फैट। उसके लिए एक्सरसाइज, डंबल्स को आप ग्रिप कर लें, बाजू लूज नहीं होने चाहिए, रिस्ट को आप इनसाइड थोड़ा सा टर्न करें और राइट टू लेफ्ट मूवमेंट करनी है। डंबल्स को आपने यूं बाहर नहीं लेके जाना। फर्स्ट टर्न, वन मूवमेंट, इसको अभी मैं स्लोली लगाऊंगा ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर, 15 रैप्स ईच साइड लगाने, लेकिन इसको आपने डे बाय डे थोड़ा सा स्पीड से लेके आना। अभी मैं स्पीड से लगा के बताता हूँ कि कैसे आएगा स्पीड से। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इस तरह आपने काउंटिंग करनी है। 30 रैप्स, 15 ईच साइड, इसको आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम वर्कआउट करेंगे, डंबल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अपने हाथों में अभी रखे हैं। अब ये फ्रंट एरिया जो नीचे है लव हैंडल्स के साइड पे, जो लोअर बैली के साथ कनेक्टेड है, ये ट्रेनिंग उसके लिए। इसमें डंबल्स स्ट्रेट रहेंगे और थाइस के साथ मूव करेंगे डाउन फ्रंट साइड। वन, इसको आप डाउन लेके जाएं जितना आप जा सकते। वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव, 15 रैप्स ईच साइड, सिक्स सेवन सेवन एट एट, 15 रैप्स आपने ईच साइड लगाने हैं, 30 रैप्स, 3 sets, और इसमें रेस्ट होना चाहिए 1 minute का। एब वर्कआउट जब आपने करना है, बहुत ज़रूरी बात, एब वर्कआउट जब आपने करना है उसमें पानी का इस्तेमाल कोशिश करें बहुत कम हो। अगर आपका बहुत दिल कर रहा है तो आप एक सिप, एक घूंट आप पानी पी सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद इसी डंबल्स को आप बैक पे ले जाएं और राइट टू लेफ्ट मूवमेंट करनी है। पहले हमने सेंटर किया, देन फ्रंट किया, अब हम बैक पे ले जाएंगे, जो रिब्स एरिया को स्ट्रेच करेगा और आपकी बैक फैट के लिए इफेक्टिव है। पांव थोड़े वाइड कर लें, डंबल्स को आप यूं भी डाउन शेप में पकड़ सकते हैं। वन, चेस्ट अप, चेस्ट डाउन नहीं करनी, स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो। वन टू, अब मूवमेंट करते हैं, मेरे रिब्स एरिया स्ट्रेच हो रहे हैं, फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स सेवन सेवन, 15 रैप्स 3 sets, 15 reps each side, 3 sets आपने करने हैं।
ये आपको लव हैंडल्स, फ्रंट एरिया, रिब्स एरिया, डाउन फैट, ये सब इस एरिया को कवर कर, ये कोर एरिया सेंटर के लिए नहीं है, ये साइड लव हैंडल्स बैक फैट के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं, उसके लिए हमें एक डंबल की जरूरत पड़ेगी। डंबल्स को आप स्ट्रेट शेप में भी ग्रिप कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी ग्रिप कर सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि यहीं से ग्रिप करना है, जहां से आप कंफर्टेबल, ग्रिप अच्छी हो। पांव आप वाइड कर लें और हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, ताकि रिब्स एरिया स्ट्रेच हो। देन डाउन इसको आपने थोड़ा सा बैक इन साइड लेके जाना है। वन, ऊपर सांस निकालनी है, नीचे ब्रीद आउट करना है, सांस फ्लो करना है आपने। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10। लगता है मेरा पेट अभी कम हो गया, काफ़ी ज़्यादा बताते बताते। वेल, ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, ये कंपल्सरी है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जाना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको कहीं भी कर सकें, लेकिन टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे मॉर्निंग है चाहे इवनिंग है। लेकिन ये नहीं कि खाना एक घंटे बाद खाया है तो आपने वर्कआउट कर लिया, 2 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए अगर आपने खाना खा लिया। लेकिन कोशिश करें कि इसको मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करें, ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। ये थी आज की ट्रेनिंग, और इसको आपने फॉलो करना है। ये स्पेशली कोर एरिया फैट बहुत बुरी लगती है यार, बहुत ज़्यादा। इसको कम करने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। इसको आप फॉलो करें, हमें फीडबैक दें, मैसेज करें, हम आपको मज़ीद अगर कोई इशू है हमें बताएं, हम इसको सॉल्व करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, आपका होस्ट रहमान अब्बास। खुश रहें, फिट रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।